हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ कमिटी या कुछ कमीशन ब्रिटिश एरा में इस्टाब्लिश की गई थी। कि कमीशन क्यों इस्टाब्लिश की जाती है, कि कुछ प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को एक थर्ड पार्टी को देते हैं कि वो प्रॉब्लम आया क्यों और वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकता है। तो ऐसे पार्टी को देते हैं जो थोड़ा न्यूट्रल हो, क्योंकि जो अगर कोई बंदा कोई गलत काम किया है, अगर हम इंस्पेक्शन के लिए उसी ग्रुप में से किसी को भेज दें तो बायस्ड इंस्पेक्शन हो जाएगा ना, क्योंकि वो अपने मालिक के खिलाफ तो गलत राय देगा नहीं। तो कमिटी एंड कमीशन जब भी इस्टाब्लिश की जाती है तो एक न्यूट्रल इंसान को या न्यूट्रल कमिटी को दिया जाता है, न्यूट्रल ग्रुप ऑफ मेंबर को दिया जाता है कि आप चलिए इंस्पेक्शन कीजिए। यही हो रहा था। तो हर एक फील्ड में लाया गया था कमीशन, कई कई, जैसे एजुकेशन के फील्ड में ऑलमोस्ट 10 कमीशन है, फिर माइन के फील्ड में 4-5 कमीशन है, इकोनॉमिक फील्ड में है 5-6, और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी 6 कमीशन है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि मेरा नाम धीरज है और आप FB, इंस्टा, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, NCERT जोन के नाम से है। मुझे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम भी कर सकते हो और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हंटर कमीशन की। हंटर कमीशन तब आया था जब उस समय गवर्नर जनरल नहीं, क्योंकि गवर्नर जनरल आपको पता होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब से कब तक रहा था? 1773 से 1833 तक। उसके बाद 1858 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे थे, उसके बाद 1858 के बाद वायसराय आ गए थे। क्लियर है ना? तो हमें टाइमलाइन में कोई कंफ्यूजन नहीं। तो जिस समय लॉर्ड रिपन वायसराय थे, उस समय एक कमीशन एस्टाब्लिश किए थे, हंटर कमीशन, एजुकेशन में रिफॉर्म कैसे, एजुकेशन में डेवलपमेंट किया जाए। तो इस चेयरमैन का नाम था विलियम हंटर। नाम याद नहीं रखना है, सिर्फ आप हंटर कमीशन याद रखिए। हंटर कमीशन सिंपल पूछ सकता है किस किस फील्ड के लिए, एजुकेशन के लिए, एजुकेशन में डेवलपमेंट के लिए। इससे पहले भी वुड्स डिस्पैच वगैरह आए थे, तो आपको पता ही होगा 1854 के आसपास। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन, मतलब लॉर्ड कर्जन नहीं आते, लॉर्ड कर्जन तो वायसराय होते ही है 1899 से 1905 के बीच। सबसे खतरनाक इनका काम था बंगाल का पार्टीशन, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के जिस समय वायसराय थे, उस समय एक कमिटी आई थी, यूनिवर्सिटी कमीशन। यूनिवर्सिटी कमीशन के चेयरमैन थे थॉमस रेलेग। ये यूनिवर्सिटी को स्टडी करना चाहते हैं और रिफॉर्म लाना चाहते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, कर्जन क्या चाहते थे पता है? कर्जन चाहते थे, क्योंकि उस समय नेशनल मूवमेंट अपने धार पे थोड़ा तेज हो रहा था, नेशनल मूवमेंट, तो उस समय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी के टीचर बहुत पार्टिसिपेट करते थे मूवमेंट में। तो कर्जन को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि कर्जन ने कुछ एक्ट वगैरह लाए जिसमें था कि इसमें प्रोफेसर की जो एंट्री होगी या हायर पोस्ट पे जो एंट्री होगी वो ब्रिटिशर्स के इशारे पे ही होगी, कुछ ऐसा था। तो उसके बाद एक कमीशन लाई गई, यूनिवर्सिटी कमीशन, जिसके चेयरमैन थे थॉमस रेलग। उनका काम था कि यूनिवर्सिटी को स्टडी करो और आप बताओ कि रिफॉर्म कैसे लाया जाए। उसके बाद जिस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड जब वायसराय थे, जिस समय आपको पता होगा 1919 का एक्ट आया था, इन्हीं के समय में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में, इन्होंने एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन लाया था। इस समय हेड कौन थे? माइकल सैडलर। तो आपसे सिंपल ये भी पूछ सकता है कि सैडलर कमीशन किससे रिलेटेड है, तो आपको बता सकता हूँ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, कि आप स्टडी करो कि यूनिवर्सिटी की कंडीशन कैसी है। उसका लॉर्ड रेडिंग जिस समय थे, उस समय एक एक कमेटी आई थी, इंडियन डिसबैंडमेंट कमेटी, इंडियन डिसबैंडमेंट कमेटी। इसमें क्या था कि सेंट्रल टू डिस्कस द सेंट्रल कमेटी ऑफ एजुकेशन, इस पे डिस्कस किया गया, टू डिस्कस द सेंट्रल कमेटी ऑफ एजुकेशन। और इसके हेड थे, इसके चेयरमैन थे लॉर्ड इच कैप। क्लियर? लॉर्ड इच कैप। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है सर्जियन प्लान। सर्जियन प्लान के हेड कौन थे? सर्जियन प्लान के हेड थे जॉन सर्जियन, लेकिन उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड वावेल। 19 जिसमें आपको पता है वॉवेल प्लान वगैरह पड़े हुए, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। क्योंकि आप देखो, ये बात तब चल रही है जब हम आज़ाद होने वाले हैं ऑलमोस्ट,
आजाद होने के कागार पे है। तब इससे पहले ये लोग क्या कर रहे थे, या तो अपना फायदा उठाने के लिए कुछ लोगों को एजुकेट करो, या कुछ दबाओ, मतलब कि यूनिवर्सिटी को दबाओ, यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी छीनो, ऐसी बात कर रहे थे। लेकिन अब बार है क्योंकि इनको पता है अब तो हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो अब तो स्टैंडर्ड की बात करते हैं एजुकेशन की। क्लियर है? तो कौन कौन प्लान आपको पता है एजुकेशन से रिलेटेड? हंटर यूनिवर्सिटी, सैडलर, सर्जियन प्लान, इंडियन डिसबैंडमेंट कमिटी। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं फरमाइन। फरमाइन आता था तो फरमाइन के साथ जब भी, क्योंकि गवर्नमेंट को हेल्प करना होता था, तो फरमाइन के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे। क्योंकि उस समय ना लोग सरकार को टैक्स दे पाते थे, क्योंकि सरकार उस समय ब्रिटिश थी, तो ना सरकार को टैक्स दे पाते थे। और उसके बाद जब रिफॉर्म तो और फेमाइन आने के बाद क्या आती थी, ब्रिटिश सरकार की तरफ से कुछ हेल्प भी आती थी कि लोगों को हेल्प दिया जाए, लेकिन वो हेल्प का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाता था। जो ग्राउंड पे होता है, ग्राउंड पे लोगों के पास जो पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाता है, तो इसीलिए भी कमेटी आती थी। तो देखते हैं फेमाइन के लिए कमेटी आई है चार। सबसे पहले एक कमेटी आई थी जब लॉर्ड लिटन उस समय वायसराय थे, लॉर्ड लिटन उस समय जो हेड थे, रिचार्ड स्ट्रेची थी, इसको फेमाइन कमीशन बोला जाता है, रिचार्ड स्ट्रेची। तो इसने बोला कि जो फेमाइन से प्रताड़ित है उसको रिलीफ मिलना चाहिए, जो फेमाइन से प्रताड़ित है उसको रिलीफ मिलना चाहिए। उसके बाद लॉर्ड एलगिन के समय में, लॉर्ड एलगिन के बाद ही पता है आपको लॉर्ड कर्जन आए थे, टाइमलाइन देख सकते हो। इस समय जो फेमाइन आया था उसके हेड थे जेम्स लायल, इन्होंने बताया टू गिव सजेशन ऑन द अर्लियर रिपोर्ट, मतलब जो इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी और भी पहले रिपोर्ट आई थी उस पर सजेशन दिया, क्योंकि कमेटी जब भी एस्टाब्लिश की जाती है तो उसको एक ऑब्जेक्टिव दिया जाता था। सरकार क्या करती है, जैसे आपको पता है हमारे यहाँ भी बहुत कमेटी बैठती है, कि एक कमेटी बोलती है कि आप डिजिटल रिफॉर्म कैसे किया जाए, पर्सनल डेटा को यूज कैसे किया जाए, या उसके प्रोटेक्शन के लिए कानून कैसे बनाया जाए, पंचायती राज के लिए कमेटी। तो एक फील्ड की स्टडी करने के लिए एक कमेटी बनाया जाती है, जैसे वेस्टर्न घाट को कैसे कंजर्व किया जाए इसके लिए कमेटी, एजुकेशन में रिफॉर्म कैसे लिया लाया जाए इसके लिए कमेटी। आपको पता है इतना सारे कमेटी सेम ब्रिटिशर्स भी करते थे। उसका लॉर्ड कर्जन के समय में एक फेमाइन कमीशन आया था, उसके हेड थे एंथनी मैकडोनल्ड 1919 ईस्वी में, मतलब 1900 में, तो गिव सजेशन ऑफ द फेमाइन रिपोर्ट। इसको बोला कि फेमाइन रिपोर्ट पे आप सजेशन दो अपना कि हमें क्या करना चाहिए। ब्रिटिशर्स इस कमेटी के हेड को बोलते थे कि आप अपना सजेशन दो, हमें क्या करना चाहिए, हमें कितना हेल्प करना चाहिए, क्या वो सब बात। उसके बाद लॉर्ड वॉवेल के समय में फेमाइन इंस्पेक्शन कमेटी आया, जॉन वुड हुड की अध्यक्षता में, टू इन्वेस्टिगेट इन द इवेंट ऑफ बंगाल फेमाइन, कि इन्वेस्टिगेट करते कि फेमाइन आई ही क्यों। फेमाइन का मतलब है भुखमरी आ जाना, भुखमरी आता ही क्यों है, इसको ही इन्वेस्टिगेट करो, जो मेन है जड़ से ही हटाने का ट्राई करो। देखो सिंपल रिलीफ दे देना आसान है, फिर भी फिर अगले साल फेमाइन आ सकता है, लेकिन रिलीफ देने के साथ साथ हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दे, आता ही क्यों है फेमाइन, तो सबसे अच्छी बात होगी। क्लियर? अब बात करते हैं कुछ इकोनॉमिक कमेटी, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, फिर हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद बस तीन एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी और बचेगा। सबसे पहले हर्सल कमेटी एक आता है, जिस समय गवर्नर जनरल, जिस समय वायसराय थे लॉर्ड लैंसडाउन, थे, हर्सल कमेटी आया, उसके हेड ऑब्वियसली हर्सल ही थे। इसमें बताया, इनको बताना था, हर्सल कमेटी को बताना था कि आप सजेस्ट कीजिए रिगार्डिंग करेंसी, करेंसी के बारे में बताइए, करेंसी के बारे में क्या बताना होगा, क्या बजे कैसे डिप्रिशिएट डिप्रिशिएट कैसे करता है, हम कैसे अपने करेंसी को ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं, ऐसी ही बातें होती होगी। उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन जब रहते हैं उसी समय एक और कमेटी आती है, ओपीएम कमीशन, ऑब्वियसली ओपीएम के बारे में बताएगी, टू इन्वेस्टिगेट अबाउट द इफेक्ट ऑफ ओपीएम ऑन द हेल्थ, कि हेल्थ पे ओपीएम का कितना इम्पैक्ट पड़ता है और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद लॉर्ड एल्गिन आपको पता है पिछले फेमाइन कमीशन में भी थे, लॉर्ड एल्गिन, जिसके समय में जेम्स लायल आए थे। तो इसमें देखो हेनरी
फॉबलर कमीशन आया, हेनरी फॉबलर्स ऑब्वियसली हेड होंगे, इनको भी बताएगा कि करेंसी में सजेशन दीजिए, करेंसी के बारे में सजेशन दीजिए। तो आपसे ऑप्शन क्वेश्चन आ जाएगा कि करेंसी के बारे में कौन कौन कमीशन आई थी। अगर ये दोनों ऑप्शन होगा, हर्सल वाला, फ्लॉर फॉबलर वाला, तो ये दोनों आंसर होगा, 1 और 2, 3 और 4 नहीं होगा। कर्जन के समय में एक इरिगेशन कमिटी आई थी जिसके हेड थे सर वॉल्विन स्कॉट मॉन्किंस, टू प्लान फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ द इरिगेशन। आपको देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्या था आप याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इरिगेशन समझ जाओगे, एक ऑप्शन है। ऐसा कभी ऑप्शन नहीं आया कि इरिगेशन मतलब सरकार खुद कर रही थी, इरिगेशन लोग खुद कर रहे थे, ऐसे नहीं ऑप्शन आएगा, क्योंकि बहुत 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 डिफिकल्ट हो जाएगा फिर। लॉर्ड हार्डिंगे क्या होता है, मैकलन कमेटी आई थी लॉर्ड हार्डिंगे के समय में, मैकलागन कमेटी, इनको कॉपरेटिव फाइनेंस पे क्या करना था, एडवाइस देना था, कॉपरेटिव फाइनेंस। उसके लॉर्ड इरविन के समय में लिंगलिथगो कमीशन आई थी, इसका काम था कि एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम है उसको स्टडी कीजिए और फिर रिपोर्ट दीजिए। एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम क्या है फिर स्टडी कीजिए, रिपोर्ट दीजिए। लॉर्ड इरविन के समय आए थे एक वाइटले कमीशन टू स्टडी द कंडीशन ऑफ लेबर। वाइटले कमीशन क्यों आए थे, लेबर के कंडीशन के लिए, लेबर कहाँ पे, इंडस्ट्री या गार्डन्स में लेबर जो काम करते हैं उनकी कंडीशन के लिए एक रिपोर्ट दीजिए, कैसी कंडीशन है, क्या किया जा सकता है उनके भले के लिए। लॉर्ड वेलिंगडन के समय आए थे इंडियन मेजरमेंट कमेटी, उसमें हेड कौन थे, हेमंत लॉर्ड लैरी हेमंत, टू अरेंज फॉर द इंक्लूजन ऑफ लेबर इन फेडरल असेंबली, कि अरेंज कीजिए लेबर का इंक्लूजन फेडरल असेंबली में। उसका लॉर्ड लिंगलिथ्रो के समय में एक नेशनल प्लानिंग कमीशन बनी थी जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू, ताकि इकोनॉमिक प्लान बनाया जा सके। क्लियर। उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन कुछ आता है जिसमें पहला है चार्ल्स एटिंसन की कमेटी आती है, एटिंसन की, लॉर्ड डफरिन के समय में, जिस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने वाला होता है। तो इसका काम मेन था कि आप बताइए किस प्रोसेस से इंडियन को हम ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं सिविल सर्विसेज में। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की। लॉर्ड कर्जन जब वायसराय थे तो उस समय फ्रेसर कमीशन आया था। फ्रेसर, इनका काम था टू इन्वेस्टिगेट द वर्किंग ऑफ पुलिस, पुलिस के काम को आप इन्वेस्टिगेट करो, फ्रेसर कमीशन। लॉर्ड हार्डिंग के समय में एक लॉर्ड इस्लिंगटन आए थे जिसको हम रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज बोलते हैं, इसका काम था कि आप 25% हाई पोस्ट पे इंडियन को एंट्री दो। उसका लॉर्ड रीडिंग के समय दो कमीशन आई थी, एक रॉयल कमीशन, एक सैंडहर्स्ट कमीशन। जब रॉयल कमीशन आए थे तो उसके हेड थे लॉर्ड ली, सैंडहर्स्ट कमीशन के एंड्रयूज स्कीम इसके हेड थे। देखो जब रॉयल कमीशन आए थे उसका काम था कि आप रिमूव करो डिफेक्ट्स ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में जो जो प्रॉब्लम है उसको आप रिमूव करो। लॉर्ड रीडिंग के समय सैंडहर्स्ट कमीशन आए थे, एंड्रयू स्कीम उसके हेड थे, इसका काम था कि इंडियनाइजेशन आप करना है इंडियन आर्मी का। उसके बाद लॉर्ड इरविन के समय में बटलर कमीशन आए थे, क्वेश्चन बहुत आ चुका है कई बार, इसके हेड कौन थे, हरकॉर्ट बटलर, इसका काम था कि आप बताइए नेचर ऑफ क्राउन रिलेशनशिप विथ नेटिव स्टेट। ध्यान देना, नेटिव स्टेट, प्रिंसली स्टेट की बात करते हैं, प्रिंसली स्टेट से प्रिंसली स्टेट और क्राउन के बीच क्या रिलेशन है, क्या उस रिलेशन का क्या नेचर है, उसके बारे में एस्टाब्लिश किया था गया था बटलर कमीशन को। क्लियर। तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट कांग्रेस सेशन, और उसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे सारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद वायसराय, एक या दो वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि एक ही वीडियो में सारा हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, इम्पॉर्टेंट कांग्रेस सेशन तो एक वीडियो में आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।